जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, ये कविता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बिग बी के पिताश्री, जो हिंदी के मशहूर साहित्यकार कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी श्यामा के अवसान के एक साल बाद उन्होंने जो कविता लिखी वो कविता है ये। और उन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग जो आत्मकथा का अंश है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करें उससे पहले लेते हैं लेखक का परिचय। लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी में और निधन सन 2003 में हुआ। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया, हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी हैं। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों में, कवि गोष्ठी आदि में होता था, लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पीट्स नामक कवि के समग्र वांग्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर हैं। मधुशाला, निशा, निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलू का याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दस द्वार से सोपान तक शीर्षक से चार खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलू क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ली गई थी। बच्चन जी का ये मंतव्य था कि पति भक्ति कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूँ क्या याद करूँ श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि
अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूँ क्या याद करूँ से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामानेली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है।